बस 2-3 मिनट इंतजार करते हैं, फिर बाकी लोग भी आ जाएं तो हम लोग जो है सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। जी चले, हम लोग जो है अपना सेशन 2 जो है स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? एक दफा मुझे बता दें। जी जी चले, ठीक है। तो ये हम जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोगों ने जो है कहाँ तक देख लिया था? जी, डेट तक हम लोगों ने और रीसेट तक हम लोगों ने बना लिया था। हम लोगों ने ये फॉर्म यहाँ तक बना लिया था। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास 2-3 टैग और होते हैं। तो मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सही नज़र आए। जी, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, एक और डिव बनाते हैं। एक सेकेंड, एक और डिव बनाते हैं और जो है उसके अंदर हमारे पास एक टैग होता है, इनपुट टैग होता है। अच्छा, इनपुट जैसे मैं लिखूंगा तो हमारे पास एक टैग होता है चेक बॉक्स के नाम से। ये आप यहाँ पर आप लोग नजर आओ। अच्छा, चेक बॉक्स के अंदर जो है हम लोग इसका आईडी हटा देते हैं और नेम में लिख देते हैं। नेम में हम लोग एलिजिबिलिटी लिख लेते हैं। अच्छा, पहले जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, 2 मिनट में अभी आप लोगों को समझाता हूँ, बस 2 सेकेंड। आर यू जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? मेरी आवाज कट गई थी शायद। जी आ रही है। जी, अब आ रही है, सही है। चल, अच्छा, यहाँ मैं बताया था कि आर यू एलिजिबल, इसका मतलब आप लोगों को मैं वहां अगर लेकर जाऊं तो ये देखिए आप लोगों के पास एक चेक बॉक्स आ गया है। इसको आप लोग जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये जो है टिक साइन हो रहा है। एलिजिबल का मतलब कि हम लोग जैसे स्कूल फॉर्म बना रहे हैं तो पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं या नहीं, तो ये भी एक होता है। इसके अंदर एक इनपुट टैग होता है चेक बॉक्स के नाम से, कि आप लोग जो है इसको टिक भी कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाह रहे हैं टिक तो नहीं भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबल, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और इसका नाम जो है हम लोग रख लेते हैं माई एलिजिबिलिटी। ओके, अच्छा, समझ में आ गया कैसे बनाना है ये चेक बॉक्स का इनपुट टैग जो है, ये इनपुट टैग जो बना हुआ यहाँ पर, ये समझ में आ गया? सिंपल, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस इनपुट लिखना है। इनपुट में आप लोगों के पास एक चेक बॉक्स का जो है वो आप लोगों को ऑप्शन देगा, वहां पर आपने उसको जो है क्लिक करना है। तो आपके पास आपके 2 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, उसके अंदर टाइप की टाइप ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स के नाम से सेव होगी और उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी आ जाएगी, तो वो आप उसके अंदर कुछ भी रख था ना, सकते आईडी हटा के आपने नाम लिखा है। हैं। नहीं, आईडी का भी ऑप्शन था, आईडी दी भी थी इसमें, लेकिन उसका भी आपने हटा दिया। वो मैं अभी थोड़ी देर तक आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, इसी तरह हम लोग जो है एक और डिव बनाते हैं हमारे पास।
एक और इसमें टैग होता है, मैं चाह रहा हूँ जितने ज्यादा ज्यादा टैग आप लोगों को इसमें बता सकूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि जब हम लोग आगे फॉर्म बनाएंगे तो उसमें कोई मसला ना हो। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं जेंडर। जेंडर में हम लोग जो है इनपुट टैग होता है हमारे पास रेडियो के नाम से। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा, ये रहा रेडियो टैग। अच्छा नेम हम लोग यहाँ पे इसके नेम में लिख लेते हैं माय जेंडर। आईडी हटा देते हैं फिर, और इसके नाम इसके अंदर लिख लेते हैं माय जेंडर, ताकि हमारा जो डेटाबेस में जाकर सेव हो वो माय जेंडर के नाम से सेव हो। तो जेंडर जो है यहाँ पे मेल हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग मेल कर देते हैं। और मैं इसी लाइन को जो है यहाँ से कॉपी करूँगा और सॉरी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये एरर ठीक है। अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है इसको, और सॉरी मैंने गलत जगह जो है इसको कर दिया। इसी डिव में करना है, नीचे नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं इसको। एक मिनट शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ, एक सेकेंड। इसको जो है अच्छा मेल हम लोगों ने दे दिया ना, मेल नहीं करेंगे इसको, फीमेल कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको री करूँ, इसको जो है फीमेल कर देते हैं अगर हम। फिर भी एरर दे रहा है, एक मिनट। अच्छा ये डाला हुआ एक्स्ट्रा एरर किस चीज का दे रहा है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा वो एरर नहीं है, वो मे बी मेरा वो लगा हुआ है जेलीफिश वाला वो लगा हुआ है, इस वजह से जो है वो कर रहा है। अच्छा अब ये जो है हमने एक और टैग बनाया डिफ के अंदर। डिफ के अंदर हमने जो है जेंडर के नाम से एक टैग बनाया इनपुट। इनपुट टैग हमने उसकी जो है डिफाइन के रेडियो के नाम से, मतलब इनपुट लिखा उसकी जो आगे टाइप रखी वो हमने रेडियो रखी, और उसका नाम रख दिया माय जेंडर के नाम से। अब हम लोग जब उसके बाद हमने आगे फीमेल का एक बनाया है और अपना जेंडर डिफाइन कर रहे हैं, तो जाहिर है मेल और फीमेल में से कोई एक होगा। तो हम लोग जो है ये देखिए मैं इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसका नाम जो है वो सेम रखा है। अगर हम इसका नाम चेंज कर दें तो जो है ये इनमें से दोनों सिलेक्टेड हो जाएंगे। हमने इनका नाम सेम रखा है, इस वजह से जो है ये एक सिलेक्ट हो रहा है। मैं बी आर टैग भी लगा लेता हूँ ताकि जो है ये लाइन ब्रेक हो जाए और साफ आए। नाम सेम करके बताएं आपके वो दोनों किस तरह सेलेक्ट होंगे। जी जी ये देखिए ये नाम है ना, ये नाम हमने इनका सेम रखा है और इसकी टाइप जो है वो रेडियो दी है, दैट्स वाई जो है वहां पर वो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। आप लोग ने जब भी इस तरह का रखना है कि दो ऑप्शन हो उसमें से कोई एक सिलेक्ट हो, तो आप लोगों ने उसकी टाइप जो है वो रेडियो सिलेक्ट करनी है और उसका जो नाम रखना है वो आपने नाम सेम रखना है। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बता दें एक दफा ताकि हम आगे चलें। मैं ये पूछ रही हूँ कि वहां पे दोनों ऑप्शन सिलेक्ट होने का ऑप्शन किस तरह आएगा एट अ टाइम पे, अगर जैसा क्या चीज चेंज होगी यहाँ पे। सेम अभी तो ये समझ में आ गया आपने रखा है। जी हमने जो है वहां से जाके इसका नाम चेंज किया, तो ये देखिए जैसे ही हमने उसका नाम चेंज किया तो ये दोनों सिलेक्टेड हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका नाम जो है जेंडर कर दिया सिर्फ माय जेंडर से हटा के, और इसका जो फीमेल ठीक का है, और नाम वहां था पे माइंड माय ठीक जेंडर है। था, दैट्स व्हाई जो है वो हो रहा है। इसको वापस कर ओके देते हैं तो अब जो है कोई एक सिलेक्ट होगा। देखिए सही है, क्लियर है? अच्छा एक और जी ऑप्शन होता है यहाँ पे मेल फीमेल और अदर भी हो सकता है, कोई तो कोई भी किसी भी टाइप का हमारे पास आ सकता है बंदा, तो यहाँ पे हम अदर बल्कि कॉपी पेस्ट अगर करें इसको और हम इसको
नेक्स्ट लाइन में ले जाए। देन पे लैंड में फॉर्म आ रहा होगा। अच्छा ये आ नहीं पा रहा है। मे बी इसमें जो है दो ही ऑप्शन आते हैं अधर का, वो जब नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे तो आता है मे बी शायद उसमें, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में ऐसा होता है कि हम दो से ज्यादा ऑप्शन दे सकते हैं, एचटीएमएल में भी ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी फिलहाल दो ऑप्शन पे ही चलते हैं यहाँ पे। और अब हमारे पास जो है, अच्छा सबमिट नाउ और रीसेट नाउ को मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि ऊपर है वो, इसको सबसे नीचे लेकर आ जाता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अच्छा ऑल्ट और डाउन एरो की मदद से देखें, पूरी लाइन मेरी नीचे आ रही है, तो ये शॉर्टकट है कि जो है डाउन एरो, ऑल्ट और डाउन एरो को जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी जो है जितना भी सिलेक्टेड आपने किया हुआ होता है वो सारा नीचे आ जाता है। अब जो है ये नीचे आ गए होंगे और मैं बी आर लगा लेता हूँ ताकि जो है सही हो जाए। तो मैंने गलत जगह लगा दी तो नहीं, सही है सही। अच्छा अब हमारा जो है ये थोड़ा सा सही लग रहा है, हमारा फॉर्म जो है वो थोड़ा सा सही लग रहा है। अच्छा अब फॉर्म बनाना आ गया आप लोगों को सबको, सही यहाँ तक आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है टास्क दिया जाए तो यहाँ तक इतना फॉर्म बना सकते हैं जिसमें नेम हो, एज, रोल, ईमेल वगैरह। यहाँ पे आप दो तीन ऑप्शन और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फादर नेम हो गया और प्रीवियस स्कूल हो गया, अगर स्कूल का नाम, स्कूल फॉर्म बना रहे हैं तो इस तरह आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह होंगी, बस ये जो है आप लोग डिफ लगाएं, डिफ के अंदर इनपुट टैग जो है आप लोग टाइप टेक्स्ट रखते तो आप लोग के पास जो है वैसा बन जाएगा। अच्छा अब हम लोग आईडी की, आईडी को देखते हैं। जो मैं आईडी कब से हटा रहा हूँ उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक टैग लगाता हूँ, लेबल टैग। लेबल टैग क्या होता है? लेबल टैग अभी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड बस। ये नेम रखा है इसका हमने और इसकी आईडी हम लोग दे देते हैं, आईडी नेम रखता है, आईडी को भी नेम। अच्छा लेबल टैग क्या करता है? अब अगर हम लोग अपनी इसको देखें, सेव नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, पर नेम लिख देते हैं, दो दफा आ रहा है क्योंकि यहाँ से हमने नहीं हटाया। जी अब देखते हैं वहाँ पर। जी देखें अब जैसे ही मैं नेम पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। लेबल का ये फायदा है, लेबल टैग जब मैंने लगाया, देखें सबसे पहले हम लोग ने इनपुट तक आप लोगों को समझ में आ गया था कि इनपुट कैसे लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपली आईडी ऐड की, आईडी में मैंने उसका आईडी का नाम रखा नेम, और हमने उसके बाद लेबल टैग लगाया। लेबल टैग के अंदर फॉर के अंदर हम वही रखते हैं जो जिस नाम की हम आईडी बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आईडी का नाम जो है नेम की जगह नबील कर दूं और यहाँ पर, तो फिर हम लोगों को जो है फॉर में जाकर भी जो है इसकी इसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर के अंदर हमेशा वो रखते हैं जो हमने लेबल के अंदर लगाया है, जो हमने सॉरी आईडी के अंदर लगाया है। ठीक है ये क्लियर है? फॉर के अंदर हम लोग हमेशा ये वही नाम रखते हैं जो हम लोगों ने आईडी क्लियर नहीं है, आईडी दी होती है। मुझे भी क्लियर नहीं है, समझ नहीं आया क्या किया। चले चले मैं दोबारा बताता हूँ, इसको हटाता हूँ, आईडी भी हटाता हूँ। अच्छा अब मैं आप लोगों को इस फॉर्म पे लेके जाता हूँ। अच्छा नेम हटा दिया था मैंने यहाँ से, नेम भी वापस लिख लेते हैं। अच्छा अब हमारा फॉर्म वापस वैसा हो गया जैसे पहले का पहले था। अच्छा अभी देखिए मैं इस नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, एज पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम लोग यहाँ पर डिफ के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लोग लेबल टैग लगाएंगे, LABEL, LAB लिखेंगे, जैसी वैसी हमें जो है वो खुद ब खुद ही VS कोड सजेस्ट करेगा कि लेबल टैग। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास लेबल टैग लिख जाएगा और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा फॉर के नाम से। अच्छा फॉर में हम लोग क्या इंटर करते हैं? फॉर में हम लोगों ने यहाँ पर आईडी जब लगाएंगे, आईडी लगाने के बाद इसका जो भी हम नाम रखेंगे, हम आईडी हटा रहे थे ना बार बार कि हमने, मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे आईडी, तो जब आईडी के अंदर हम लोग जो भी नाम रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम रख दिया नबील, तो हम लोग फॉर के अंदर भी वही नाम रखना पड़ेगा। वही नाम रखेंगे तो जो है हमारा वहां पर जाकर जब हम नेम पे क्लिक कर रहे होंगे तो वहां पर जाकर वो सिलेक्ट होगा। अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिनट मैं बताता हूँ।
ये देखें, जैसे ही मैंने लेबल टैग लगाया, मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, ये सिलेक्ट हो जाता है। जैसे ही नेम पे क्लिक करता हूँ, वन क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। पहले जब नेम पे क्लिक कर रहा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था। अच्छा, अभी कैसे हो रहा है? लेकिन यहाँ पे नबील तो लिखा हुआ नहीं आ रहा, आपने तो जी यहाँ जी लिखा है नबील वहां पर। आईडी है ना, जी जी नबील आईडी है। हमने यहाँ पर नेम लिखा है, दोनों हम लोग इसके बीच में जो लिखते हैं ना वो लिखा हुआ आता है। ये तो फॉर तो एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट वहाँ पे शो नहीं होता। लेबल के बीच में हम लोग अगर यहाँ पे नेम की जगह हम लोग यहाँ पे कुछ और लिख देते, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते, तो जो है ये देखें यहाँ पर यही शो होगा। ये देखें रिफ्रेश होगा तो ये देखें यहाँ पर ये शो हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम जस्ट ऐड इंटर कर राइडिंग उतना नेम लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों टैग के बीच में जो जगह, यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे, ये देखें ये टैग यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आप लोगों को नजर, ये टैग यहाँ खत्म हो रहा है, ये क्लोजिंग टैग है इसका, लेबल का क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में हम लोग लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे शो होगा। तो हमें नेम लिखना है क्योंकि हम नेम चाह रहे हैं उस बंदे से, तो हम लोग नेम लिख देंगे यहाँ पर। और फॉर के अंदर हम लोग हमेशा वही रखते हैं जो हमने अपनी आईडी का नाम रखा होता है। आईडी का नाम जो है मैंने नबील रखा था, तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर भी फॉर के अंदर भी नबील ही पुट कर रहा हूँ। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हो रहा है कि जैसे ही मैं आके नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। ये देखिए, मैं एज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप। और नेम पे क्लिक करते ही जो है सिलेक्ट हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाते हैं, तो उन पे जैसे ही आप जो है जैसे नेम पे ही क्लिक करें, या उनका आगे जो भी होता है यूजर नेम वगैरह होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। और आप बस डायरेक्ट टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप मोबाइल में अगर आप लोग करें तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है और फिर आप लोग टाइप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जाकर आपको क्लिक नहीं करना पड़ता। तो लेबल ये टैग आपको इसीलिए, सजेशन भी दे रहा है नबील की। जी जी लेबल टैग इसीलिए यूज होता है कि आपकी जो है सजेशंस वगैरह भी आती हैं। सजेशंस तो वैसे भी आती हैं, अगर लेबल टैग आप यूज नहीं करें तो भी जो है ये क्रोम का फायदा है कि आप जो जो आपने पहले, अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी लिखा हुआ होता, काशान भी अगर लिखता, तो थोड़ी देर बाद वो काशान की भी जो है सजेशन देना स्टार्ट कर देता। सबमिट नाउ करूंगा, और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आऊंगा उसको हटाऊंगा, तो देखें काशान की भी सजेशन देगा कि आपने कौन हो, को किस नाम से जो है आप एंट्री कर रहे हो। जब लॉग इन फॉर्म में जाते हैं तो अगर आपके पास तीन चार अकाउंट चल रहे हैं तो वो आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप कौन हो जो एंट्री करना चाह रहे हो, आप नबील हो या काशान हो, या अगर आप हैं तो आपके नाम, आपका नाम आएगा यहाँ पर कि भाई आप इस नाम से एंट्री करना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैं नबील हूँ तो नबील के नाम से कर दूंगा, अगर मैं यहीं पे काशान हूँ, मैं काशान काशान एंट्री करना चाह रहा है इसके अंदर, तो काशान सेलेक्ट हो जाएगा। सही है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लेबल टैग? ओके क्लियर हुआ है, लेकिन नीचे भी जो आईडी आ रही है तो उसमें भी फिर हमने वो सेम रखना होगा जी, नीचे आईडी देखिए, जब भी वो आईडी तो सिलेक्ट। किसी को सेम नहीं दे सकते हम। आईडी आईडी सेम देंगे तो वो चलेगा ही नहीं। आईडी बेसिकली होती क्या, आईडी एक यूनिक नेम होता है, एक किसी का भी नाम जो है। हम लोग जैसे स्कूल में भी आप आईडी बनाते हैं तो सबका आईडी जो है अलग अलग होती है। आईडी कार्ड जैसे होता है तो सबका अलग अलग होता है, वो रोल नंबर अलग होगा और स्टूडेंट नंबर अलग होगा, तो आईडी हमेशा अलग होती है। जैसे नेशनल आपका जो एनआईसी का कार्ड है उसके ऊपर जो एनआईसी का नंबर है आपका, वो सबका चेंज होता है, किसी का भी सेम नहीं होता, क्योंकि आईडी बेसिकली एक यूनिक चीज है। अब इसकी आईडी मैं लगाऊं और इसकी आईडी का जो है मैं नाम रख दूं अगर नबील, तो यहाँ पर जाएं। अच्छा, हमने किस पे लगाई है ये, एज पे, ये देखें नहीं हो रहा, और नबील पर हो रहा है, लेकिन इस पर नहीं हो रहा क्योंकि इस पर हमने वो उसका नाम सेम रख दिया, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पर इसका आईडी का नाम जो है हमें चेंज रखना पड़ेगा और एक न्यू लेबल बनाना पड़ेगा। हर डिफ के अंदर आपको एक न्यू लेबल बनाना पड़ता है। ये इसका लेबल था, ये खत्म हो गया यहीं पर। ओके मैं समझ गई, यानी हर डिव में आपको जो है वो लेबल जो है वो न्यू बना के और आईडी में आईडी जो आप लिखेंगे आईडी भी वहीं पर डिफरेंट। सेम जी, टाइप में भी आपने वही सेम ही लिखना है, ठीक है तभी जी सही है, वो सिलेक्ट होगा वहां पे। जी सही है, समझ में आ गया। और स्टूडेंट्स भी बता दें जो जो हमारे साथ हैं, जैसे देखता हूँ कौन अभी हमारे साथ क्लास ले रहा है। अच्छा, अब्दुल्ला नहीं है, ये पीसी के नाम से कौन है? उकाशा आप हैं शायद, पीसी के नाम से कौन है? प्लीज आप बताएं, आपको समझ में आया? आप लोग ने कुछ भी नहीं बोला, वरदा आपने भी कुछ भी नहीं बोला, आप लोग बता दें, आप लोगों को क्लियर हो गया ये?
क्योंकि आगे जब असाइनमेंट मिलेगा तो फिर जो है उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी अगर अभी आप लोग सवाल नहीं करेंगे। और असाइनमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मसला होगा बाद में। जी वरदा, आप अपना प्लीज़ माइक ओपन करें, आप बताएं कि जो है आपको क्लियर है। जी मुझे जी यहाँ तक का तो समझ आया है। शुरू मैं लेट आई थी थोड़ा, तो उसका नहीं समझ आया, बाकी यहाँ तक तो आया। अच्छा, शुरू में जो है अभी हम रिवीजन करेंगे तो आप वो देख लेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। ओके, ठीक है सही ठीक है। सही है। अच्छा, अब रिवाइज इसको जो है एक दफ़ा मैं करा देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने सारा किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आए, हम लोगों ने जो है एक HTML फाइल बनाई, वो आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, .HTML लाजमी लगाना है लास्ट में। और उसके बाद जो है हमने बॉयलर प्लेट लगाई जो सबको पता है, उसके टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग फॉर्म सीख रहे थे इस वाली क्लास में, तो हमने जो है उसका टाइटल फॉर्म रख दिया। उसके बाद हम बॉडी के अंदर आए, बॉडी में आके हमने सबसे पहले H1 लगाया। H1 में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जिस भी टाइप का फॉर्म बना रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को बनाना था बेसिकली एक फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए हमने जो है सिंपल फॉर्म लिखा, तो फॉर्म का जो है हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ गया अंदर उसके एक्शन के नाम से। एक्शन में हमने लिखा बैकएंड डॉट नोड जे एस। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि हम बैकएंड के लिए नोड जे एस यूज कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसको बताया है, VS कोड को बताया कि हम लोग नोड जे एस इस्तेमाल करेंगे बैकएंड में। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोग जब आगे जाके बैकएंड के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जो है उसको इससे इस वाली लिंक इस वेबसाइट से, मतलब इस जो है HTML की जो फाइल है ये वाली, उससे लिंक करवा देंगे उस बैकएंड के पेज को, ताकि जो है वो कनेक्ट हो जाए। और जब भी कोई भी क्लाइंट आए या कोई भी यूज़र आकर ये फॉर्म फिल करे तो उसका सारा डेटा हमारे पास आ जाए और हमें पता हो कि भाई फला फला नाम के बंदे ने हमारे इस टाइम आया था, इस डेट को आया था, और उसकी ये जितनी है उसका नाम ये है, उसका रोल ये है, ईमेल ये है, तो वो सारा हमारे पास बैकएंड में सेव हो जाएगा। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे बैकएंड, तो आप लोगों को प्रॉपर समझ आएगा किस तरह सेव होगा और कहाँ कैसे समझ कैसे मतलब हमारे पास आता है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है उसका क्लोजिंग टैग देखें लास्ट में। हम लोगों ने जितनी भी कोडिंग की है वो सारी फॉर्म के बीच में की है, ये देखें फॉर्म के बीच में की है, इसका क्लोजिंग टैग बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है हमने लगाया इनपुट टैग, ये लगाया था हमने इनपुट टैग लगाया। सिंपल इनपुट लिखा हमने तो वो पहला ही जो हमें दे रहा था उसको हमने एंटर किया, तो उसकी टाइप उसने जो है ऑटोमेटिकली हमें डिफाइन कर दी कि जब वो मतलब डिफॉल्ट इनपुट टैग देता है तो उसकी टाइप टेक्स्ट होती है हमेशा। टेक्स्ट क्या करती है कि आपके कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं आप जाकर यहाँ पर उसको टाइप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे नंबर भी हो रहे हैं, यहाँ पर जो है ये डॉट वगैरह भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर सारे जितने भी आपके पास कीबोर्ड में बटन हैं वो सारे यहाँ पर आकर हम लोग उसमें से किसी भी बटन को यूज कर सकते हैं अपना नाम लिखने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोगों ने एक और एज का जो है इनपुट टैग लगाया, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एज जो है हमारी बिल्कुल इसके आगे आ रही थी, मतलब नेम के आगे आ रही थी, और हम क्या चाह रहे थे कि हम लोग जो है नीचे वाली लाइन में आए। तो नीचे वाली लाइन में आने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर BR टैग का यूज़ किया, और BR टैग का यूज़ हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को CSS अभी नहीं आता। हम लोग जो है नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए CSS का यूज़ करेंगे, और वो बहुत आसान तरीका है उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए, लेकिन जब हम CSS पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने इन सबको एक डिव में कर दिया। डिफ क्या होता है, डिफ तो अभी उसके बाद ही हम बताया था नेक्स्ट सेशन की लास्ट में कि सही से डिफाइन कर दिया था कि डिफ जो है, मुझे बताएं कि डिफ दोबारा बताने की जरूरत है या क्लियर है सबको, डिफ दोबारा बताऊं क्लियर है, या आगे चलें। सही क्लियर है। है, चले। उसके बाद हमने जो है सारे इनपुट टैग जितने भी हमारे इनपुट टैग थे देखें सबको डिफ में किया हुआ, ये इसका ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। फिर हमने BR टैग इसलिए यूज किया क्योंकि हमें एक लाइन का गैप चाहिए था वहां पर, वरना बहुत अजीब सा हमारा जो है वो फॉर्म पूरा अजीब सा लग रहा था। उसके बाद जो है हमने फिर डिफ का ओपनिंग टैग लगाया और फिर क्लोजिंग टैग। ऐसे जितने भी हमने इनपुट टैग लगाए हैं वो सारे डिफ के अंदर लगाए हैं, तो जितना भी आप लोग इनपुट टैग यूज करेंगे वो सारे डिफ के अंदर ही होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे आ गए हमारे पास डेट। डेट की टाइप हम लोग हमेशा, अच्छा याद रखिएगा कि आप लोग जैसे ईमेल कर रहे हैं तो उसकी टाइप ईमेल ही होनी चाहिए। आप अगर यहाँ पर इसकी टेक्स्ट कर देते तो उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम ही होता कि देखें जैसे जैसे ही मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ ईमेल पे तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है और मैनेज भी कर रहा है, गूगल से कनेक्ट भी कर रहा है कि आप मैनेज पे क्लिक करें तो
जो है वो आपको फॉर्म पर ले जाए, जितनी भी ईमेल्स आपके उसमें चल रही हैं, ये देखिए जितनी भी मेरे पास मतलब यहाँ पे ईमेल चल रही हैं वो बता रहा है। अच्छा उसके बाद जो है डेट पे आए, हमने डेट की टाइप भी जो है डेट रखी। डेट क्यों रखी ये मैं आपको वहां जाके बताता हूँ। डेट हमने इसलिए रखी ताकि हमें ये प्रॉपर ये कैलेंडर मिल सके और ये डेट का ही आए। अगर हम यहाँ पे इसकी टाइप जो है नंबर रख देते तो नंबर में ये देखिए नंबर में क्या होता है, नंबर में हम लोग कैसे लिखते डेट, आज 3 यूं करके हम लोगों को प्रॉपर डेट लिखनी पड़ती है और वो बहुत अजीब सा लगता है। तो इसमें आप लोगों को खुद ही जो है ये बता रहा है कि आप यहाँ से कैलेंडर ओपन करें और बहुत आसान तरीका बता रहा है, और बस आप यहाँ से जैसे ही इसको एक बटन क्लिक करेंगे तो वो खुद ही बता देगा कि 13 तारीख 12 महीना, ये तो अभी मैंने 13 को क्लिक किया था इसलिए 13 उसने डेट लिख दिया आज की। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने जो है देखा चेक बॉक्स को। चेक बॉक्स क्या होता है कि आप लोग जो है बटन लगा सकते हैं यहाँ पर, मतलब बटन कहेंगे इसको या चेक बॉक्स कहेंगे, चेक बॉक्स ही कहते हैं इसको बेसिकली। तो आप लोग यही क्या है कि यहाँ पर आके आप क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर आके इसको खाली भी रहने दे सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे, तो मैंने आर यू एलिजिबल लिख दिया। यहाँ पे आप लोग जब किसी और जैसे कॉलेज वगैरह का या किसी रेस्टोरेंट का कोई फॉर्म बना रहे होंगे तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जैसे एक्स्ट्रा चीज अगर हम लोग कोई ऑर्डर कर रहे हैं किसी, जैसे फूड पांडा पे भी आपने देखा होगा कि जो है फूड पांडा पे जब भी कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसके नीचे जो है आपको ऐसा ही चेक बॉक्स मिलता है और उस पर लिखा हुआ होता है कि एक्स्ट्रा चीज डलवानी है आपने बर्गर में या किसी भी चीज में, तो आप लोग उसको अगर करवानी होती तो क्लिक कर देते हैं, नहीं करवानी होती तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो उसके बाद जो है ये चेक बॉक्स पड़ा हमने, उसके बाद हमारे पास आता है जेंडर का। दो हम लोगों को जब भी कोई भी ऐसी दो चीजें हो उनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट करवानी हो तो हमारे पास आती है टाइप रेडियो। टाइप रेडियो इसकी जब भी रखेंगे तो उसमें से कोई एक नाम एक चीज जो है आप क्लिक कर सकेंगे, और ये ध्यान में रखिएगा कि आप उसका नेम नाम जो है सेम रखें, अगर आप उसका नाम चेंज कर देंगे तो वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जो है उसका नाम सेम रखेंगे तो यहाँ पर देखें जैसे नाम सेम रखा है हमने तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन जो है क्लिक हो रहा है, दोनों नहीं हो रहा है। देखें अगर मैं मेल को करता हूँ तो फीमेल साइड जाता है, और ये कॉमन सेंस की बात है कि दोनों में से जो है कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई बंदा जो भी आ रहा है वो फीमेल ही होगा या मेल होगा। अच्छा उसके बाद नीचे आता है हमारे पास सबमिट टैग और रीसेट नाउ। सबमिट टैग से क्या होगा, सबमिट टैग से जो है सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म, और रीसेट फॉर्म से जो है अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिख दिया आपने ऐसे ही, और जो है उसके बाद आप आके रीसेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो जो है सारी चीजें जो है हट जाती हैं यहाँ से, रीसेट हो जाता है सारा। अच्छा अब किसी अब सबमिट और रीसेट के दरमियान BR हमने नहीं दिया है, तभी वो बराबर में आ रहा है। जी अच्छा इसको BR क्या करता है, BR लाइन ब्रेक करता है। अगर हम यहाँ पे BR टैग लगा दें इस जगह पर, अगर हम लोग BR टैग तो फिर वो लगा अलग लाइन में आएगा। और ठीक अलग है लाइन में ठीक आएगा, है। ये लाइन ब्रेक करने का। रिफ्रेश हो रहा है पेज। अच्छा ये नहीं आया क्योंकि BR टैग में भी लाइन ब्रेक करने के लिए होता है और ये एक ही डिफ के अंदर है तो ये इसीलिए नहीं हुआ। अगर ये अलग अलग डिफ के अंदर होते और बीच में हम BR लगाते तो ये जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाता, और इन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए जो है वो CSS की मदद से हम लोग करते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसे स्पेस आएगी, और ये जो है क्या कहते हैं कि उन दोनों को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, बटन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे हम बटन पे होवर करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, सबमिट नाउ की जो है फॉन्ट चेंज हो जाए, वो सारा हम लोग जो है CSS की मदद से करते हैं। और HTML का जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बस आगे अगली 4-5 क्लासेस में ही हम HTML को कवर करें और CSS की तरफ आएं, ताकि जो है जल्द से जल्द हम लोग अपना वेब डेवलपमेंट कोर्स को जो है आगे बढ़ा सकें और जल्द से जल्द चीज़ें सारी कवर करें। क्योंकि जब आगे बैकएंड की लैंग्वेजेस आएंगी जो प्रॉपर लैंग्वेजेस हैं वो जो है समझना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ ताकि प्रॉपर आप लोगों को समझ में आए। मैं इसलिए थोड़ा इतना तेज़ लेके चल रहा हूँ, जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है आई नो, मैं इसलिए इतना तेज़ लेके चल रहा हूँ क्योंकि आगे जो बैकएंड की जो लैंग्वेजेस हैं ना वो थोड़ी सी मुश्किल हैं, जैसे ये नोड जेएस हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, ये सारी हम लोग क्लियर करेंगे इसके अंदर, तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए इस वजह से जो है मैं इसको थोड़ा तेज लेके चल रहा हूँ, और उन चीज़ों को मैं ज़्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ जो 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 थोड़ी सी मुझे लगता है कि मुश्किल है। तो इस वजह से जो है आज की क्लास भी यहीं ख़त्म होती है।
और आप लोग बता दें एक दफा कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे मुझसे पूछ लें अभी, ताकि जो है हम क्लास एंड करें फिर आज की क्लास में। बस हमने फॉर्म असाइनमेंट बनाना है किस तरह का होगा? जी। असाइनमेंट, असाइनमेंट सर, ये जी अच्छा क्वेश्चन है। असाइनमेंट में जो है आप लोगों ने क्या क्या सीखा है कि आज की क्लास को मिलाकर? आप लोगों ने जो है हेडिंग लगाना सीखी, पैराग्राफ सीख लिया और इमेज लगाना सीख ली। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक ऐसा असाइनमेंट बनाए कि जिसमें सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग आ रही हो। हेडिंग आप अगर किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं, एक्स वाई जेड किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं आप। आप स्कूल की वेबसाइट देख लें, आप किसी जो है कोचिंग की रख लें, आप अगर अपनी पर्सनल आप अपनी अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो अपनी रख लें, अपनी उसके अंदर जो है क्या कहते हैं अपना नाम लिख लें ऊपर, मतलब हेडिंग में जो है आप कुछ भी हेडिंग में अपनी जिस भी टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं वो हेडिंग उस टाइप की डालें। उसके बाद एक जो है पैराग्राफ आना चाहिए, लेकिन पैराग्राफ में लॉरम का यूज़ नहीं करें। पैराग्राफ में खुद अपने जो है अगर रेस्टोरेंट के बना रहे हैं रेस्टोरेंट के बारे में लिखें, अगर अपने बारे में बना रहे हैं तो अपनी बारे में, अपने बारे में जो है उसमें पैराग्राफ में कुछ भी लिखें। उसके बाद जो है एक इमेज लगाएं, इमेज में आप लोग उस का जो है हवाला दे सकते हैं कि जिस टाइप की वेबसाइट बना रहे हो। मैं यहाँ पे मिसाल बार बार रेस्टोरेंट की दे रहा हूँ क्योंकि अभी यही मेरे दिमाग में आ रहा है। तो रेस्टोरेंट की अगर वेबसाइट बना रहे हैं आप तो रेस्टोरेंट की किसी चीज़ की आप इमेज लगा लें, और इमेज लगाने के बाद जो है फिर एक फॉर्म बना लें इसी तरह का। और फॉर्म में जो है आप उससे, यहाँ पे तो मैंने नेम एज पूछा है, आप उससे कुछ और चीज़ें पूछ सकती हैं जो भी आप लोगों को सही लगे। और मतलब इस तरह का जो है एक उसमें तो मेन्यू असाइनमेंट आएगा फिर। जी जी, अगर आप रेस्टोरेंट के बना रहे हैं तो यहाँ पर आप मतलब उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। और ऐसे टिक वाला आप ज़्यादा लगा सकते हैं, फिर आर यू एलिजिबल जैसे मैंने लगाया, चेक बॉक्स का आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हर उसके आगे। अगर यहाँ पे जैसे आर यू एलिजिबल के आगे आप इधर बर्गर लिख सकते हैं, उसके बाद फिर एक और चेक बॉक्स बनाए उसमें आप सैंडविच लिख दें, तो फिर वो जो जो उसको चाहिए वो क्लिक करता जाएगा ऐसे ऐसे, जो नहीं चाहिए वो नहीं करता जाएगा। प्राइस भी लिख सकते हैं उसके आगे। अच्छा ये कहाँ लिखनी है आपने, ये सारी चीज़ें आपने ही देखी। यहाँ जैसे मैंने एज लिखा है तो इसके आगे आप अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्राइस मिसाल के तौर पे प्राइस आपको बता रहा हूँ, अगर एज के आगे आप यूँ लिखें तो देखें 2 आ गया, मैंने 280 लिखा था मे भी। अच्छा मे भी इसकी भी लिमिट होती है कोई, तो आप लोग बताओ सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग ऐसे लेबल टैग बनाएं और लेबल के अंदर जो है जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा है तो आप लोग लेबल के अंदर लिखें। तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी आईडी डिफाइन हो जाती है, थोड़ा सा सही भी लगता है कि देखिए जैसे मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा जो है इसका बॉर्डर डार्क हो रहा है और ये पता चल रहा है कि भाई ये सिलेक्टेड है। तो आप लोग लेबल टैग का भी यूज़ करें, लेबल टैग लगाएं एज के अंदर लगा लें और रोल वगैरह सब में जो जो आप चीज़ें बनाएं उसमें लगाएं। तो आज का असाइनमेंट जो है वो इसी का होगा। आपके पास 4 दिन हैं, 4 दिन में आप जितना अच्छा बना सकते हैं इन चीज़ों से उतना अच्छा बनाएं। और आप लोगों ने जो है थर्सडे वाले दिन असाइनमेंट ग्रुप में साइन करना है। और असाइनमेंट साइन कैसे करना है, आपने जो है इस पूरे कोड की एक छोटी सी वीडियो, जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है तो इस पूरे कोड की जो है आपने छोटी सी यू यू स्क्रॉल करके आपने वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के बाद जहाँ तक आपका कोड खत्म हो रहा है वहाँ तक वीडियो बनाने के बाद आपने क्रोम पे लेके जाना है, और क्रोम पे आपने जो जो चीज़ें बनाई हैं वो आपने यहाँ पे इंटरफेस जो आपका आ रहा है वो दिखाना है आपने। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको कैसे अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है? हेलो, आवाज़ आ रही जी है? अच्छा ठीक। अच्छा अब ओके नेक्स्ट क्लास हमारी जो थैंक यू। है, नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट फ्राइडे होगी इंशाल्लाह, और 7:20 पे हमारी जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, फिर ओके मैं क्लास जो है एंड कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ ले, फिर हम क्लास एंड कर। रिकॉर्डेड वीडियो कब तक सेंड होगी ग्रुप में? वो चैनल पे मिलेगी आपको, ग्रुप में नहीं आएगी, मतलब ग्रुप में चले, मैं लिंक भी अच्छा शेयर कर ठीक दूंगा, बाकी चैनल पे भी आ जाएगी, चैनल पे आपको मिल जाएगी। है ठीक ठीक है, और अगर आप लोग बोलें कि मैं कोड ये वाला साइन कर दूं आप लोगों के साथ तो वो भी मुझे बता दें, कोड साइन कर दूं या सही है? दें कोड साइन कर दूं, बल्कि आप लोगों के पास फिर वो खुलने जी। में प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को गिटहब का नहीं पता होगा, मे भी अभी नहीं पता गिटहब का, पता है किसी को गिटहब क्या होता है? नहीं पता गिटहब का, चले इसलिए मैं कोड नहीं कोड का जो है अभी साइन नहीं कर सकता, कोड हम आगे
गिटहब के बारे में भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताऊं, और तो फिर मैं कोड उस पे साइन कर सकता था, कोड अभी जो है इस पे नहीं आ सकता व्हाट्सएप पर। तो आप लोगों के साथ वीडियो आप लोगों के पास होगी, उसमें प्रॉपर जो है ये कोड आप लोगों के पास होगा, तो इससे भी देखकर आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, क्लास एंड कर रहे हैं हम, अल्लाह ओके, थैंक हाफिज़। यू।